नमस्कार, एटीएस न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी ठीक चिनारी सामुदायिक केंद्र पर हूं और यहां आशा दीदी लोग हैं, ये धरना पर कई दिनों से बैठी हुई हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्यों बैठी हैं, आखिर इतने दिनों से धरना पर बैठी हैं, क्या सरकार इनके मांगे पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या कहना चाहती है? क्या नाम है आपका? शांति देवी। आप लोग धरना पर बहुत दिन से बैठी हैं, क्या कहना चाहती है? यही कहना हम लोग चाहती हूँ कि हम लोग 2005 से हम लोग आशा वर्ग में काम करते हैं और हम लोग का राशि सरकार दे रही है। हम लोग के कहना है कि इतना दिन से हम लोग घर में बाल बच्चा परिवार छोड़कर आते हैं, 24 घंटा ऊपर बंद रहते हैं, गांव के भी सर्वे काम करते हैं, तो हम लोग के मानदेय चाहिए, हमने के प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार ले कि हम इतना दिन से हम लोग हैं, हम लोग के मानदेय किस लिए माने नहीं देते हैं। हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे हुए हैं कि सरकार को हमको मानदेय चाहिए। आप लोग जैसे गर्भवती महिला होती है, महिला का लाने के लिए आप लोग कार्य करती हैं, करते हैं ना? हाँ, मैं गर्भवती महिला को हम कार्य करते हैं, ला के पीएससी में हम लोग सुई दिलवाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर गांव में सुई दिलवाते हैं, बच्चा को सर्वे कर करके हम लोग सुई दिलवाते हैं, प्रसव पूर्वक जांच कराते हैं, माने सारा बच्चा के 0 से लेकर के गर्भवती तक सामने के 5 साल के बच्चा को हम लोग। आप लोग के पैसा मिलता है सरकार के द्वारा? राशि मिलता है, वो राशि नहीं समय पे मिलता है, वो जैसे मजदूरा है, 350 रुपया पर काम करता है, हम लोग के वही नहीं दिन भर में मिलता है, दिन भर उपलब्ध हम पीएससी पर रहते हैं, बाकी वो भी हम लोग के नहीं मिलता है। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए सरकार के लिए, सरकार को अंधा हो गया है, सरकार को कान बहरा हो गया है, उसको कान खोला जा रहा है। हम लोग 12 या 7 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक से हम तो हमको मानदेय नहीं देगा वो हम लंबी हड़ताल करेंगे और हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, ये धरना पर हम बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे। अभी आप जिस तरह से गेट बंद करके भी रख रही हैं, कभी लोग जाने दे रहे हैं, कभी मतलब लोगों को जाने दे रही हैं, गेट बंद करके रखी हैं, क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्यों गेट बंद करके? इसीलिए हम लोग गेट बंद करके रहते हैं, इमरजेंसी हम बाधित नहीं करते हैं, मारकाट है, जो भी आता है इमरजेंसी वह चालू रहता है, और जैसे ऐसे थोड़ा मोड़ा आदमी का चोट वोट लगता है वो हम बाधित करते हैं, तनी मनी हल्का फल्का कुछ आदमी के मई कुछ कारण होता है शरीर में, वो हम बाधित करते हैं और इमरजेंसी नहीं छेकते हैं। आप जो बाधित करते हैं, क्या ये गलत है या ना? सही है, गलत क्यों है? गलत नहीं, लोग आएंगे दूर दूर से आते हैं इलाज कराने के लिए, और उन लोग जब आते हैं गेट पर जैसे ही आते हैं तो वापस लौट के बहुत लोग चल जा रहे हैं। हम इसीलिए बाधित करते हैं कि दवाई जो सरकार को वितरित हो रहा है, बता रहा है, वो पुर्जा बन रहा है, ओपीडी चल रहा है, तो हम बाधित करेंगे सरकार, तभी ना देखेगा कि हाँ इतना दवाई पहले वितरित हो रहा था, बता रहा था, अब नहीं हो रहा था, किस लिए नहीं हो रहा था। आशा कर्मी ने धरना पर है, नहीं पुर्जा बनने देती है, ओपीडी नहीं चलने देती है, इसीलिए ना बाधित हो रहा है, तब जियान होगा, बर्बाद होगा, तभी ना सरकार सुनेगी जी। अभी जिस तरह से आप लोग धरना पर बैठी हैं, अब आप लोग के गांव में टोले मोहल्ले में जो महिला गर्भवती होंगी तो लोग के लिए अभी क्या कैसा आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग समझाते हैं कि धरना पहले हम लोग उतरेंगे निकलेंगे तो आप लोग के सुई दिलवाएंगे और हम लोग सब बताएंगे, ऐसे हम लोग बताते हैं और ऐसे हम लोग सलाह देते हैं कि आप चुपचाप रहिए, जब हम धरना पर निकलेंगे तो आप लोग को सब हम लोग कराएंगे। जब महिला जरूरत होता है, मतलब जैसे दिन पूरा हो जाता है, तो उन लोग को अब कौन लिया कराता है? हम लोग जब सरकार नहीं सुनेगी, सरकार मांग नहीं देगी, तो हम सीधे प्राइवेट में ले जाएंगे, हम नहीं पीएससी में आने के देंगे, जहाँ मन करे तहाँ जाए, हम भी नहीं ले जाएंगे, प्राइवेटो में नहीं ले जाएंगे, जहाँ मन करे तहाँ अपने से जाएगी, छोड़ देंगे। अब आप लोग के लिए मतलब आप लोग कोई उनका सेवा नहीं कर रहे? नहीं, हम नहीं करेंगे, जब तक से हमने को मांग का पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक से हम लोग नहीं उनको सेवा करेंगे। जब तक से सरकार मानेगी नहीं, तब तक से हम लोग गर्भवती महिला के लिए सेवा करेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी देवी। क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार हमको मानदेय दीजिए, हमको सरकारी घोषित कीजिए, नहीं तो उनका काम में बाधित करेंगे, हम उनको कुर्सी से उतारेंगे, अगले 2024 में वोट नहीं देंगे, समझ हमारे आशा बहनी भी वोट नहीं देगी। आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? कुर्सी से उतार देंगे, कुर्सी से उतारेंगे उसको, उसका नाम नहीं है, हम लोग रोड पर उतार करके कुछ भी नहीं देता है, उसको हम कुर्सी से उतार के छोड़ेंगे, नीतीश को तेजस्वी को मोदी को कान में सुनाई नहीं देता है, उसको एकदम हटाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद।
अपने जैसे इनकलाब जिंदाबाद, गुलाबी साड़ी परे पुकार, तमाम प्रकार के नारा लगा रही हैं यहाँ पर आशा दीदी। जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक से हम धरना से हटेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि जितना भी सरकार को करना है अपना मनमानी कर ले, हम लोग भी अपने खेती पर डटे रहेंगे, हम लोग भी सड़क पर उतर आएंगे। जब तक ले हमारी सरकार मांगे नहीं सुनेगी, हम लोग इसी तरह धरना देंगे, इससे भी गहरा धरना देंगे, इससे भयंकर होगा। जब तक ले हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करेगी, इससे भयंकर होगा। कहाँ अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? रोड होगा, स्टेशन पर होगा, कहीं कहीं होगा, जहाँ हम लोग का चाहेंगे तहाँ करेंगे, कहीं भी करेंगे। हाँ, हम लोग का कोरोना उतना बिहार लगा हुआ था उस समय, रात दिन यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ सुई दिलाओ, वहाँ कोरोना जाकर देखो, हम लोग नहीं है। कोरोना में आप लोग जिस तरह से काम किया था, आज सरकार आप लोग के पास तनख्वाह मिला? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, अब क्या प्लानिंग बना रहे हैं? हमने हम लोग प्लानिंग में हम लोग का वेतन दीजिए, हम राशि प्रोत्साहन नहीं चाहिएगा, हम लोग का प्रोत्साहन से कम नहीं होगा। उतरना सीध है। क्या कर रहे हैं? अगर नहीं करेगी तो कुर्सी पर 2024 में उसको उतरना सीध है, नहीं छोड़ेंगे हम। 24 में प्रधानमंत्री के चुनाव, 25 आने वाली है ना, 25 दोनों को किया जाएगा। हम लोग इतना आशा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम देवी, गांव हट्टा। हम लोग इतना आशा है, अगर अपने अपने घर परिवार को हम लोग मनाएंगे तो हम लोग नीतीश सरकार है या मोदी सरकार अगर सरकारी घोषित कर दिए तब तो ठीक है, सब लोग हल दिल से वोट देंगे, नहीं तो उसको 2024 में एकदम कुर्सी से उतार देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, न नीतीश को देंगे न मोदी को देंगे। वोट वोट का क्या बहिष्कार करिएगा? जी बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे। हम लोग का बहिष्कार कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे, हम लोग जुड़े हैं 2005 से इसी तरह काम कर रहे हैं। एटीएच न्यूज़ जिले में बने रहने के लिए धन्यवाद।